दुनिया में भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसका एरिया एक बास्केटबॉल के मैदान जितना है। ये बात जानकर हर कोई हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी सी जगह में कोई देश कैसे हो सकता है। दुनिया का सबसे छोटा देश इंग्लैंड के पास स्थित है, जिसका नाम सीलैंड है। इस देश को माइक्रोनेशन कहा जाता है। इंग्लैंड के सफोल्क बीच से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीलैंड खंडर हो चुके समुद्री किले पर स्थित है। ये देखने में जरा भी खास नहीं लगता है। दो पिलर पर बने प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेनर जैसी इमारत का ढांचा है। नाव से ऊपर पहुंचने के लिए क्रेन से खींचना पड़ता है। इस किले का निर्माण दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटेन ने कराया था, हालांकि बाद में ब्रिटेन ने इसे खाली कर दिया था। माइक्रोनेशन कहे जाने वाले सीलैंड पर कई लोगों का कब्जा रहा है। बाद में 9 अक्टूबर 2012 को रॉय बेट्स नाम के शख्स ने खुद को सीलैंड का प्रिंस घोषित कर दिया था। रॉय बेट्स की मौत के बाद से इस पर उनके बेटे माइकल का शासन है। रॉय बेट्स ने सीलैंड के लिए डाक टिकट, पासपोर्ट और करेंसी भी निकाली थी। करेंसी पर रॉय बेट्स की पत्नी जॉन बेट्स की तस्वीर है। इस देश का अपना एक झंडा भी है, जिसका रंग लाल, सफेद और काला है। माइक्रोनेशन उन देशों को कहा जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली होती है, यानी कि ये देश किसी भी देश का हिस्सा नहीं होते हैं। ये देश समुद्र के बीचों बीच महज 250 मीटर में फैला हुआ है, जिस वजह से यहाँ के लोगों के पास जीने के लिए कोई भी संसाधन नहीं है। इस छोटे से देश की इकोनॉमी पूरी तरह से डोनेशन पर निर्भर है। हालांकि इंटरनेट के जरिए लोगों को इस देश के बारे में जानकारी मिली, तो लोगों ने इन्हें खूब डोनेशन दिया, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को आर्थिक मदद मिली। तो दोस्तों, यही थी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।